सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फाइनली जियो फोन नेक्स्ट आ चुका है। काफी सारे लोगों को इंतजार था कि यार जियो फोन 3 कब आएगा। फाइनली आ चुका है। जियो फोन 3 के नाम से नहीं बल्कि जियो फोन नेक्स्ट के नाम से इसको लाया गया है। कल की हुई एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ देखने को मिलने वाला है और कब तक हमें ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो ये जो जियो फोन नेक्स्ट आने वाला है, ये जो है दो कंपनियों ने मिल करके बनाया है, गूगल और जियो। इन दोनों कंपनियों ने मिल करके इस स्मार्टफोन को बनाया है और इनका ये कहना है कि जितने भी 2G यूजर हैं उनको हम 4G स्मार्टफोन देंगे, 4G पर स्विच कराएंगे। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2G स्मार्टफोन यूज करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जो है 4G स्मार्टफोन ले पाए, क्योंकि 4G स्मार्टफोन महंगे आते हैं। इसलिए इस फोन का प्राइस बहुत ही कम होने वाला है। दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन ये होने वाला है। इस फोन के अंदर हर चीज देखने को मिल जाएगी जितनी भी स्मार्टफोन के अंदर होती है। बेसिकली एंड्रॉइड फोन ही होने वाला है, प्ले स्टोर वगैरह हर चीज देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। यहाँ पर जो ये एंड्रॉइड गो के ऊपर चलने वाला है और जितने भी ऐप होंगे गूगल की तरफ से, जितने ऐप आते हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये गूगल और जियो की तरफ से मिलकर के बनाया गया है। इसलिए गूगल के सारे ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर रैम कितनी होने वाली है ये अभी तक जो है क्लियर नहीं बताया गया है। कितनी स्टोरेज मिलने वाली ये भी नहीं बताया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोटो दिख रही है कुछ इस तरीके से लुक होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम गेस करते हैं कि इसकी डिस्प्ले कितनी होने वाली है, तो डिस्प्ले अराउंड 4.5 इंच या फिर 4.7 इतनी हो सकती है डिस्प्ले इसकी देखने को मिल सकती है। बाकी पता नहीं कितनी डिस्प्ले होगी, वैसे अंदाजा ही लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी आपको स्मार्टफोन काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है और काफी सस्ता देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर प्राइस की, आखिर इसका प्राइस कितना होने वाला है, कितने तक जाएगा, तो यहाँ पर इसका प्राइस जो है अराउंड 2500 से 3000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे अगर ऊपर होता है तो दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन नहीं हो पाएगा। इसीलिए 2500 या फिर 3000 के आसपास आपको इसका प्राइस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये कब से हमें देखने को मिलेगा स्मार्टफोन, तो यार यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है कल की डेट में कि ये फोन जो है 10 सितंबर से अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको 10 सितंबर से ये स्मार्टफोन मिलेगा। बाकी प्राइस वगैरह कुछ भी बताया नहीं गया है। प्राइस वगैरह हम इतना जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना प्राइस हो सकता है और इतना ही रहेगा, क्योंकि इससे ऊपर जाएगा तो दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन ये कहलाएगा नहीं। तो बस इतना ही फिलहाल है, 10 सितंबर से आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। बाकी क्या चीज़ें होने वाली जैसे हमको पता लगेगा इसके सारे स्पेक्स हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए बस फिलहाल इसमें इतना ही, छोटे से इन्फॉर्मेशन थी, आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं न्यूज़ चैनल के साथ में।